नमस्कार एनबीसी न्यूज में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसान आंदोलन जो है, हमें सबको पता है कि पिछले 13 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान जो है अपनी मांगों को लेकर डटा हुआ है, और आज जो मंगलवार को जो बैठक हुई उसमें से कुछ हल नहीं निकल पाया है, इसलिए आज मीटिंग होने जा रही थी, लेकिन जिसके बाद सरकार द्वारा कहा गया है कि लिखित में आश्वासन दिया जाएगा, उसके बाद क्या किसानों की तरफ से जो है प्रतिसाद मिल रहा है, और सब किसानों द्वारा क्या किसानों का क्या कहना है, इसके इसके हम जायजा लेंगे। हमारे प्रतिनिधि जो है दिल्ली से है ब्रजेश कुमार, इनसे कि क्या जो चिल्ला बॉर्डर है वहां पर किस तरह की परिस्थिति है, वो किसानों के पास है, उनके उनके साथ कुछ किसान भी जुड़ रहे हैं हमारे से बातचीत करने के लिए, तो उनसे जानते हैं कि क्या किसानों का क्या कहना है। ब्रजेश जी क्या बताओगे, आप खुद किसानों के बीच में हो, क्या वहाँ का माहौल है? जी, सबसे पहले मैम मैं ये बात बता दूं आपको कि कल गृह मंत्री अमित शाह जी से चर्चा हुई है घर पे कुछ किसानों की, जिसमें कुछ रिस्पांस नहीं निकल पाया है, मतलब वो बेनतीजा उनकी मीटिंग रही है, और उन्होंने आज जो मीटिंग होने वाली थी विज्ञान भवन में उसको भी मतलब खारिज कर दिया है कि कोई मीटिंग नहीं होगी। दूसरी बात यह है मैम कि जो प्रस्ताव कुछ केंद्र सरकार की तरफ से आया है जो 5 एक्ट हैं उनके बारे में भी किसान अभी चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन किसानों की क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे किसान, इसमें हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भानु के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष दुष्यंत सिंह जी हैं, ये बताएंगे कि क्या इनकी रणनीति है और क्या करेंगे। सर क्या करेंगे आप, क्या आगे आप लोगों की रणनीति रहेगी, क्या जो सरकार ने जो आदेश दिए हैं, जो एक्ट दिए हैं 5, उस पर आप सहमत हैं? नहीं, हमारी सहमति नहीं है, और अभी हम ये आंदोलन में बैठे हुए हैं, हम लोगों यहाँ पे नोएडा में बॉर्डर पे चिल्ला बॉर्डर पे हम सारे किसान बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने जब नहीं माना तो हमें मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट जाके अपनी रिट दायर करनी पड़ी, और जिसमें हमने अपनी मांगों को रखा है कि सबसे प्रमुखता से रखा है कि आप तीनों जो बिल है उन्हें वापस ले, और उसके बाद में हमारे एक किसान आयोग का गठन करे, वो किसान आयोग ही वो MSP MRP किसानों की जो भी हक की बातें हैं वो आयोग ही उसके नाम निर्धारित करेगा। जी जी, फिर भी हम ये जानना चाहेंगे कि क्या रणनीति आप लोगों की चल रही है, बैठक चल रही है, क्या रणनीति आप वहाँ पहुंचे? उन्होंने ये कहा है कि APMC में ये संशोधन करेंगे जी। अब एक बार बताइए, जब डायरेक्ट व्यापारी जो आके और उसके नाम किसान से ग्राहक से जाके जब डायरेक्ट उसकी फसल खरीदेगा तो ये मंडियां कहां से चलेंगी? जब मंडियां नहीं चलेंगी तो हमारा जो मजदूर है वो सारा उसका बेरोजगार हो जाएगा जी। अभी ये लोग इस चीजों को समझ नहीं रहे हैं, इसका आगे चल के बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिससे हमारा जो मजदूर है पल्लेदारी वगैरह करते हैं, जो लोगों को रोजगार चलता है, वो सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरा, इन्होंने कहा है कि ट्रेडर्स के साथ व्यापारियों का सिस्टम तरीके से इनका लेन देन होगा। जब मंडियां ही नहीं रहेंगी तो सिस्टम कहेगा कहाँ से, क्योंकि जब वहां पे व्यापारी 10 व्यापारी जाएंगे वो ही रेट तय कर देंगे, उसके बाद में ये अपनी मनमर्जी से किसान का माल खरीदेंगे। अब दूसरे ये रहा कि हमने इनसे ये कहा है कि आप MSP जो है, जिसे हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं जी, हम ये कहते हैं जैसे सभी, जैसे आप किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसके बाद में आप उस पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ साथ MRP भी और निर्धारित करते हैं जी। तो जब हम कह रहे हैं कि आप MSP के साथ साथ में आप MRP निर्धारित करते हैं, जिससे कि हमारे देश के अंदर काला कानून और यह काला धंधा न हो सके, क्योंकि अभी भी ऐसा ही होता है कि किसानों की सस्ते मंडी लेके फसलें और ब्लैक कर ली जाती है, लेकिन आज कानून है कि उसे हम काला कानून करते हैं, लेकिन इन लोगों ने तो खुली छूट दे दी है कि बड़ा व्यापारी होगा वो स्टॉक कर लेगा और उसके बाद में वो अपनी मनमर्जी से जब चाहेगा तब बेचेगा जी, जी। ये इनकी सबसे तो ये संशोधन है। अब ये जिस तरीके से अभी होता है कि हरियाणा के अंदर किसान पराली जलाता है और दिल्ली के अंदर प्रदूषण हो जाता है जी। आप एक बार बताइए, दिल्ली है, दिल्ली को आप इतनी 50-40-50 किलोमीटर के दायरे में 2 करोड़ की करीब जनसंख्या रहती है, आप इतने वाहन चलते हैं, इतना प्रदूषण होता है, इतनी फैक्ट्रियां हैं उसके अंदर, फिर भी आप इतना प्रदूषण होता है, सारी यमुना उसके अंदर प्रदूषण है, लेकिन आपको जब हमारा किसान अगर पराली जलाता है तो आप बताते हो उसे प्रदूषण हो जाता है जी। तो हम कहते हैं कि जितना भी हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ना, वो भी आप दिल्ली में जोड़ दें जी। उसे आप जब दिल्ली में जोड़ देंगे तो एक बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा, और जिससे जो हमारी समस्या है तो हमारी जो बसावट होगी वो हमारा, हमारे जो NCR में जितने भी लोग आते हैं वो दिल्ली से जब आप जोड़ देंगे तो उनका भी सभी लोगों का फायदा होगा, और उसमें किसान भी दिल्ली के अंदर, जैसे कहते हैं ना कि किसान कह रहे थे, तो फिर उसके बाद में ये दिल्ली एक किसान किसान के साथ साथ ये दिल्ली प्रदेश हो जाएगा जी। जी जी, जी। तो अच्छा, सबसे बड़ी खबर ये आ रही है, आवाज आ रही है मैम आपको? हाँ, सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि आज आपके कुछ कार्यकर्ता और कुछ किसान यहाँ पे आ रहे थे, प्रशासन ने उनको रोका है, क्या रणनीति आपकी रही,
कि उन लोगों को फिर बड़ी मुश्किल में अंदर आना पड़ा। देखिए, ये सरकार सत्ता में आई हुई है और ये सरकार बहुत ही ज्यादा हमारे किसानों के ऊपर जिस तरीके से जुल्म कर रही है, किसानों की अपनी आवाज कहने के लिए, अपने लोगों दिल्ली में जाने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए ये लोग नहीं आने दे रहे जगह जगह पर। शासन और प्रशासन देखिए, दिल्ली प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार और केंद्र में भी उनकी सरकार है, तो इस वजह से हमारे हजारियों किसानों को उसका कि नाम रोडों पे कहीं जेवर है, मथुरा है, हर जगह रोक लिया जाता है और यहाँ तक नहीं आने दिया जाता है। अब इससे क्या है कि ये एक बहुत ही ज्यादा इनकी तानाशाही है, जिस तरीके से ये तानाशाही आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगली बार जो सरकार को इन्हें, हमें नहीं लगता है कि अगली बार इस तरीके से अगर आपका रवैया रहे तो किसान आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। और जिस उम्मीद से लोग आए थे, आपको जिस उम्मीद से वोट दिया था, वो उनकी उम्मीद पे आप खरा नहीं उतरे हैं। जी जी, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं मैम, आपको आवाज आ रही है तो, कि यहाँ पर पहला गेट इन लोगों ने बंद किया था, ये बॉर्डर वाला, लेकिन पता नहीं क्या समस्या आई है, वो हम दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष दुष्यंत सिंह से जानेंगे कि इनको दूसरा गेट भी बंद करना पड़ा। क्या समस्या आन पड़ी थी कि आपको दूसरा गेट बंद? समस्या ये आनी हुई कि जब हमने गेट नहीं बंद किया, जब ये समस्या आई, हमारा जब हमारे किसान आ रहे थे, जब भाई पता चल रहा है हमारे पूरे देश में किसान 70-80% हमारा किसान देश में रहता, जब उन्हें पता चला कि हमारे किसानों को वहां पे रोक लिया गया और वो भी हमारे सब लोग आ रहे थे, तो ये दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ने ये बैरिकेडिंग लगाई है, हम लोगों ने कोई रास्ता थोड़ी रोका है। जी जी। हम लोग तो दिल्ली जा रहे थे भाई, हमारा प्रधानमंत्री है, हमारी जनता के द्वारा चुना हुआ हमारा प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे गृह मंत्री है, हमारे कृषि मंत्री है, तो उनसे वार्ता करना मेरा अधिकार है। लेकिन अब ये शासन और प्रशासन उनके हाथ में, उनका एकदम से बहुत ही ज्यादा ऐसा रवैया, उन लोगों ने नहीं जाने दिया, तो उन लोगों ने, ये शासन और प्रशासन ने बैरिकेडिंग को बंद करवाया, हम लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया है। जी दुष्यंत जी, इतनी सारी मीटिंग होने के बाद, छठी चरण की आज मीटिंग थी, उसको भी कैंसिल कर दिया, मीटिंग अब नहीं होगी, आप लोगों की क्या रणनीति आगे रहेगी, क्या आप लोगों की चर्चाएं हो रही हैं? आपको आपको साफ ऐसे मनसा जाहिर होती है, आपकी उनकी मनसा जाहिर होगी कि तानाशाही रवैया, आप मेरी बात मानोगे नहीं मानोगे, तो नहीं तो आप ये ज्यादा से ज्यादा क्या है कि हम लोगों के ऊपर लाठी डंडा आशु गैस वगैरह और पानी की बौछारें और हम किसानों पे गोली चलवा सकते हैं। जी 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 मैम, बोलिए बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे मैम। जी जी ब्रज जी, उनसे पूछिएगा कि सरकार की तरफ से जो लिखित में आश्वासन आया है, कुछ खत आया है, उसमें कुछ सुझाव दिए गए, कौन से सुझाव जो है किसानों को दिए गए हैं जिससे रास्ता निकाल सके? जी मैम, उन्होंने जो अभी सुझाव दिए गए हैं वो अभी पढ़ के सुनाए थे उन्होंने अभी, लेकिन एक बार मैं और पूछ लेता हूँ, जो सरकार ने सुझाव दिए हैं उसमें कितने आप सहमत हैं और कौन से सुझाव? हमारा कोई भी किसान और कोई भी किसान हमारा संतुष्ट नहीं है। उसका कहना है कि आप अपने तीनों बिल जो है आप अपने वापस लीजिए, मुझे इन बिलों की जरूरत नहीं है, और आप एक मजबूत किसान आयोग का गठन करिए, उसके बाद में जब हमारा किसान जो आयोग होगा उसमें हमारा किसान का ही अध्यक्ष होगा और किसान का ही सदस्य होगा, फिर उसके बाद में हम कानून बनाएंगे, वो कानून है उसके बाद में फिर आप हमारे किसानों के लिए लागू करिए। जी, तो अभी हमारे इन किसी बिल पे हमारी कोई भी सहमति नहीं है और ना हमारा कोई भी किसान सहमत हो रहा है। इसके लिए हमने, जब हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका भी दायर कर दी है, जिसके डॉक्टर एपी सिंह जो है उनके द्वारा हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी अपनी दायर कर दी है। जी जी जी, अच्छा मैम आपको आवाज आ रही है, तो इस तरीके की ये चर्चाएं दुष्यंत जी ने बताई हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा और यहाँ का दिखा दूं कि ये यहाँ का चिल्ला बॉर्डर है, तमाम लोग इस तरीके से बैठ रहे हैं, तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा, और इस तरीके से रात और दिन ये लोग बैठे रहते हैं, यहीं आग जलाते हैं, यहीं नाश्ता और यहीं पानी, 24 घंटे इनका यहाँ रहना है। 14 दिन, आज 14वां दिन है और 14 दिन से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। किसान से आपकी बात हो पाई है? जी जी जी, मैं अभी किसान से ही बात कर रहा था, और एक बार और थोड़ा सा मैं जाकर, जो एक हमारे साथ, सर आपका नाम क्या है? मैं भारत का एक किसान, मेरा नाम विकास है। जी जी सर, क्या कहना चाहेंगे, जो केंद्र सरकार की तरफ से जो एक लेटर आया है उसमें 5 एक्ट लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग शांति स्वभाव से, जो किसान आपकी अपनी मांगों को मनवा रहा है, आप ये मांगे मान लीजिए जी, क्योंकि मेरे मशगरे में नहीं, कहीं और रख दो, क्या आसमान लाए हो जमीन पे रख दो, कुछ टूटे हुए दिए रखे हैं ताक पर, कुछ टूटे हुए दिए रखे हैं ताक पर, चांद सितारे भी वहीं रख दो, अरे हमसे पूछते हो हमारे कातिल, कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख। तो आपने सुना मैम इस तरीके से, अगर ये कानून सही था तो इसमें बदलाव की जरूरत क्या? जी जी जी, अगर ये कानून सही था इसमें बदलाव की जरूरत क्या थी? अगर इसमें बदलाव करने की जरूरत आई तो आपको इतना बड़ा बखेड़ा करने की क्या जरूरत है? जी जी, आपको कर देना चाहिए था। जी जी, आप किसान के लाभों के लिए हित की बात करते हैं,
आप अगर उसको ये कानून सही नहीं लग रहा तो आप उसको बदल दीजिए। जी। आप किसी को जबरदस्ती कपड़े पहना है और उसे पसंद नहीं आ रही कोई शर्ट, तो आप उसको जबरदस्ती क्यों पहना रहे हैं? तो ये इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार का जो रवैया है वो जबरदस्ती है किसानों के ऊपर। देखो, केंद्र सरकार का रवैया ये जबरदस्ती पर अड़े रहे, कहते हैं शांति रखो, तुम शांति रखो, तुम ना छोड़ो इस स्वभाव को, सरद लोहा भी काट देता है गरम। भारत देश का सामान किसान अनाज चावल रोटी आपको खिलाता है, आप उसके प्रति कितने भी सख्त हो जाइए, लेकिन इस देश का किसान मुलायम किसान आप डंडे मारो तो भी सेवा करता रहे। जी। तो सुना आपने मैम इस तरीके की, यहाँ पर एक तरीके से माना जाए तो शायरी करते रहते हैं किसान लोग बैठे हुए हैं, और अभी कुछ गीत भी लोग अपनी तरफ से गा रहे थे केंद्र सरकार के खिलाफ, उन्होंने अपनी किसान की एक भाषा में गीत गाया है, और इस तरीके की तस्वीरें, और आप देख सकते हैं ये लोग, देखिए इस तरीके से यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भानु के हैं वो सामने बैठे हुए हैं और वो अभी कुछ मीडिया से चर्चा कर रहे हैं। इस तरीके से पूरा दिन और रात इनका कट जाता है। आप और बताइए मैम, क्या दिखाना चाहता हूँ मैं? किसान और कोई किसान है उनसे भी हम जानेंगे उनका किस तरह से प्रतिसाद है, जिस तरह से सरकार द्वारा लिखित आश्वासन आया है, कौन से सुझाव दिए गए हैं, क्या कहना है किसानों का? कोई और किसान है जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं, या फिर किसान अभी भी उनका कहना क्या है जो हम सीधे जो है हमारे दर्शकों को दिखा सके, दिल्ली के किसानों का? जी, उनका यही कहना है मैम, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो किसान अभी मैंने दो किसानों से आपसे चर्चा कराई है, एक किसान से और बात करा देता हूँ, उनका यही कहना है कि जो एक्ट केंद्र सरकार ने दिया है उस पर हम बिल्कुल भी मतलब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और वो बिल्कुल ही गलत दिया है किसान के, बिल्कुल विरोध में दिया है। किसान जो है डटे हैं कि जी, एक हमारे साथ किसान बैठे हुए हैं, मैं जी, एक किसान और है हमारे जो बिल्कुल एक तरीके से माना जाए तो वो 24 घंटे यहाँ बैठे हुए हैं। सर, क्या लगता है सरकार की तरफ से जो आया हुआ है आसपन, आप 5 एक्ट आपके लिए आए हैं, क्या कितना आप समर्थन करते हैं? क्या पहले हम आप समझाओगे कौन कौन से एक्ट आए? अच्छा, आपको पढ़ा नहीं है अभी? तो इन्हें पढ़ा नहीं है मैम अभी तक, इनको मिला नहीं है, क्योंकि आपने बोला था जिनने पढ़ा था मैंने उनसे आपसे चर्चा करा दी है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 5 एक्ट दिए हैं, जिस तरीके से बार बार मीटिंग चल रही है, क्या लगेगा आपको? क्या केंद्र सरकार सही कर रही है आप लोगों के साथ? हमारे साथ में सरकार कहाँ सही कर रही है? अच्छा, सही करती तो हम काहे को यहाँ पे सब लोग इतने सब इकट्ठे हो रहे हैं? जी, अब तक हमारा अगर सही हो जाता तो चलो हम एक आध लोग कमजोर होंगे शायद दिमाग से, इतने सब लोग थोड़ी कमजोर है, इतने मतलब हमारे कितने दल सब जगह सब पूरा किसान जितने भी हैं जितनी पार्टियां हैं सब लोग इतना उधर नहीं करते। जी, सिर्फ हम अकेले होते और हम गलत कर रहे होते तो सब विरोध हमारा करते। जी, तो मैडम एक किसान और है, मैं उनसे भी चर्चा करा देता हूँ, वो भी भानु से ही है, ठीक है? सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से सरकार की तरफ से जो 5 एक्ट आए हैं, कितना आप लोग समर्थन करते हैं और क्या आप लोगों की रणनीति चल रही है? हम उसमें कहीं भी समर्थन में नहीं है जी, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो सरकार कर ही ना रही। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं किसान आयोग का गठन हो जी, जो महिला आयोग बन सकता है जी, दलित आयोग बन सकता है जी, किसान आयोग क्यों ना बना? 72-73 साल हो गए इस देश को आजाद हुए, ये किसान को आजाद क्यों नहीं किया जरा जी? उसमें 100% किसान के मतलब मेंबर्स हैं जी, वो रेट तय करें जी, तब उसे सरकार MSP पर आगे घोषित करे जी, उस रेट पर सरकार खरीदे जी। तो आप किसान आयोग का गठन हो इसलिए बैठे हैं कि MSP बिल वापस करने के लिए बैठे हैं? MSP बिल वापस होगा जब ही तो किसान आयोग का गठन होगा। कल जो मीटिंग हुई है किसानों की, उसके लिए क्या कहेंगे आप? आपको जानकारी लगी होगी मीटिंग तो सब विफल हो रही है। अच्छा, विफल हो रही है? आप लोगों के हित में मीटिंग नहीं हो रही है? वो तो समझाने के लिए मैं किसान को बुला रहा है, किसान कुछ देने के लिए नहीं बुला रहा किसान। अच्छा, आप लोगों ने लिखित में मांगा है, उनने कुछ संशोधन करके लिखित में 5 एक्ट दिए हैं? लिखित में नहीं मांगा भैया, हमने तो ये कहा है MSP को कानून का दर्जा दिया जाए। अच्छा जी, कल को कोई MSP आज भी है लेकिन पर कितनी खरीद हो रही है उसमें? जी, कल को कोई MSP से नीचे खरीदे तो उसके खिलाफ FIR हो जी, हम तो ये चाह रहे हैं। जी, तो सुना मैडम आपने, ये लोग लेके उस लव लेटर को हम कहां कांडोली किसे दिखाएंगे? क्या होगा तो क्या वैल्यू है वो लेटर की? जी, लेकिन कुछ किसानों का सुनने में ये आ रहा था कि हमें लिखित में चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था 2-3 हफ्ते बाद पहले कि MSP से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी किसान को कोई दिक्कत नहीं आएगी, और किसानों ने कहा था कि लिखित में हमें चाहिए, बोलने वाली बात नहीं मानी जाएगी। कौन कह रहा दिक्कत ना आ रही? MSP अब नहीं, 1150 का बाजरा हमारा 800 का है, 1850 का धान 900 का है, 1850 की मक्का 700 की है, MSP अभी तो हो,
एमएसपी में 100% खरीदने की गारंटी सरकार की हो। ब्रिजेश जी मैम, सुप्रीम कोर्ट में जाने की जो है किसान दशा है, जिसके बाद भी आंदोलन वैसे ही रहेगा, पूछिए उनसे। जी जी, एक मिनट मैं जिन लोगों ने दायर किया है मैं उनसे बात करता हूँ। एक मिनट ठाकुर दुसैन सिंह जी, जो आपने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में आप जो आपने जो डाला है एपी सिंह के पास, क्या आप लोग यहाँ से हट जाएंगे कि प्रदर्शन भी जारी रहेगा? नहीं, अभी हम लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जब हमने अपनी याचिका दायर कर दी, अब जो हमारा कोर्ट का ऑर्डर होगा जी, ये तानाशाही सरकार से हमारे पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। जब हम कोर्ट पे अब चले गए, कोर्ट में कोर्ट हमारा जैसा आदेश देगा उसके बाद हम उस तरीके से हटेंगे। अभी तक तो हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ से हमारा कोई भी किसान हटने का नाम नहीं ले रहा। मतलब इनका कहने का मतलब ये है मैडम कि कोर्ट में भी चलता रहेगा और हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक सरकार की तरफ से फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती, किसानों के हित में रिपोर्ट नहीं आ जाती। किसान डटा है कि ये तीन जो मांगे है या ये तीन कानून जो है सरकार वापस ले, लेकिन सरकार भी अड़ी है कि ये तीनों कानून रद्द नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी किसान जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, प्रदर्शन भी जारी रहेगा, ऐसा इनका कहना है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल यही कहना है। और हाथरस वाले जो वकील है डॉक्टर एपी सिंह जी, उनके साथ ही उन्हीं को इनने अपना केस दिया है। बिल्कुल, तो आखिरकार इसमें से रास्ता जो है नहीं निकल पाया है, हल नहीं निकल पाया है, और दिल्ली की बॉर्डरों पर किसान जो है अपनी मांगों को लेकर डटा है। पल पल की खबर को लेकर हम आपसे बातचीत करेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा, और अभी की जानकारी के लिए धन्यवाद ब्रिजेश जी। तो आज हमने देखा कि किसान जो है चर्चाओं का दौर जो है किसान और सरकार के बीच चला है, लेकिन उसमें से हल नहीं निकलने की वजह से अभी कुछ किसान संगठनाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन प्रदर्शन जो है इसी तरह का, जब तक सरकार की ओर से उनका जो है उन्हें कुछ न्याय नहीं मिलता तब तक ये प्रदर्शन जारी रखेंगे, ऐसा किसानों का कहना है। तो इसी खबर के साथ हम यही रुकते हैं, लेकिन पल पल की जानकारी कर हम आपसे मिलते रहेंगे। देखते रहिए जी से न्यूज़। नमस्कार।